हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल नॉलेज विथ अभिषेक में। तो दोस्तों, आज हम लोग पांच बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनके आंसर भी जानेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी, एसएससी और बहुत से जीके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन हमारा यह है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। तो यही रहा आपका 5 क्वेश्चन और उनके आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आए हुए हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन और उनके आंसर जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर नीट एग्ज़ाम, यूपीएससी, एसएससी, इन बहुत से एग्ज़ामों के क्वेश्चन आंसर बहुत प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह दोस्तों हम पर डे 5 या 10 क्वेश्चन पर डे लेकर आते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।